वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग थ्योरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स पोर्शन। आज हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एरहिनस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। इस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। इसका दूसरा नाम है वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, उस डिपेंडेंस को शो किया किसने, एरहिन ने। लेकिन पहले किस साइंटिस्ट ने ये देखा कि रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये देखा था वांट आपने। लेकिन उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन किसने दी, एरहिन ने। इसलिए हम लिखते हैं इसको वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, इट वॉज गिवन बाई एरहिनस इन 1889। ठीक है बेटा, पहले काम किया था वांट आपने, इस पे मैथमेटिकल पोर्शन उसी ने डिस्कस किया, लेकिन फिजिकल इंटरप्रिटेशन किसने दी, वो दी एरहिनस ने। ठीक है बेटा, देखो इधर रिएक्शन किस्म ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी, कहां रिएक्शन यथ मत अख मॉलिक्यूल इन्वॉल्व गए, तथा वन यूनि मॉलिक्युलर रिएक्शन। एग्जाम्पल दू, अमोनियम नाइट्राइड अत मे अकुई मालिक्यूल, यह गो डेसोसिएट इंटू एन टू एंड वाटर। इस रिएक्शन की मालिक्यूलिटी कितनी है, वन। इसका नाम है यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन। दैट रिएक्शन विच इन्वॉल्व सिंगल स्पीसीज इज नोन एज यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन। अकुई मालिक्यूल गेट्स कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट। गो ऑन द बेसिस ऑफ मालिक्यूलिटी रिएक्शन आर आर थ्री टाइप्स। पहला वाला यूनिमालिक्यूलर, दोयमी रिएक्शन नाम बाई मालिक्यूलर। बाई मतलब गो टू, मालिक्यूलर मतलब मालिक्यूल ये जो मालिक्यूल नियम टेक पार्ट। एग्जाम्पल दू, एच आई को डेसोसिएट इंटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, कस मालिक्यूल इन्वॉल्व, ज। इसका नाम पड़ेगा बाई मालिक्यूलर रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच टू मालिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली, मतलब ज मालिक्यूल गई पानवे टक्कर, मगर कर एट ए टाइम, तथ रिएक्शन वन बाई मालिक्यूलर रिएक्शन। एग्जाम्पल थो याद, ये टर्म मालिक्यूलर वनस या ट्राई मालिक्यूलर वनस, ये त्रे मालिक्यूल करें कोलाइड इकोट एट ए टाइम करें त्रे मालिक्यूल कोलाइड, अत रिएक्शन वन टर्म मालिक्यूल। दोज रिएक्शन इन विच थ्री मालिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड टर्म मालिक्यूलर रिएक्शन और ट्राई मालिक्यूलर रिएक्शन। अगर त्रेई खुद अलाव करें कोलाइड, क्योंकि मोर देन थ्री मालिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली तमिच प्रोबेबिलिटी कम, अवे वन ये रिएक्शन मालिक्यूलिटी आज त्रेई खुद ज्यादा सचान कम्प्लेक्स रिएक्शन, तथ मन मोर देन वन स्टेप, इस स्टेप तमों मज स्लो, तथ वन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सुई कैन डिसाइड रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, जो हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। ठीक है बेटा, मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी इज थ्री, वो भी मैंने आपको बताया। इफ मॉलिक्यूलरिटी इज वन इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, अगर रिएक्शन जो मॉलिक्यूलरिटी टू इट इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्री इट्स कॉल्ड टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आप चेक कर सकते हो एनसीईआरटी पर कौन सी रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है, कौन सी टर्म मॉलिक्यूलर है, कौन सी यूनिमॉलिक्यूलर है। क्लियर, देखो बेटा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कुछ पर कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट्स, मतलब अकुई मालिक्यूल कुछ पर कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज दी गई। ए थ्योरी इज ए मेंटल पिक्चर जो एक्सप्लेन कर रहा है कैसे ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसे कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। एक मेंटल पिक्चर बनाई गई जो हाइपोथेटिकल थी, अगर उसको बैक करेंगे एक्सपेरिमेंट से तो वो बनेगा फिर वो लॉ, बट थ्योरी इज ए मेंटल पिक्चर जो एक्सप्लेन करेगा हमें कैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ये खतरा है थ्योरी दिन, दैट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर थ्योरीज। इसी तरीके से बाई मॉलिक्यूल कैसे कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स में, इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज दी गई। इंपॉर्टेंट थ्योरी जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए है उसी का नाम है एरहिनस थ्योरी। ठीक है बेटा, वैसे ही टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज दी गई। एक इंपॉर्टेंट थ्योरी यहां पर है, उसका नाम है एसीटी एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी, दूसरा नाम उसका है टीएसटी ट्रांसेंड स्टेट थ्योरी। ये आपके हायर क्लासेस में है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, उसका दूसरा नाम है ट्रांसेंड स्टेट थ्योरी।
ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में है। ये एक्सप्लेन करता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म। बाई मालिक्यूलर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास पहली वाली थ्योरी है, उसका नाम है एरिहिनस थ्योरी, अर्थ चुनाव एरिहिनस थ्योरी। इस कारण एक्सप्लेन बाई मालिक्यूलर रिएक्शन कुछ पर गसन। ब्याह थ्योरी वन कोलिजन थ्योरी, सच है सिलेबस में कोलिजन थ्योरी। त्रेम थ्योरी यही एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये थ्योरी चलन हर कुछ जगह। यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन एक्सप्लेन करने खातिर चोर थ्योरी, एक वन पर्नस रेडिएशन थ्योरी, पर्नस रेडिएशन थ्योरी, दूसरे का नाम है लिंडमैन हिंशलवुड थ्योरी, तीसरे का नाम है आरआरकेएम। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको छोड़ो। यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए तीन थ्योरी, नाम सुनो बस। एक का नाम है पर्नस रेडिएशन थ्योरी, दूसरे का नाम है लिंडमैन हिंशलवुड थ्योरी, तीसरे का नाम है आर आर के एम थ्योरी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ो उनको। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी या टीएसटी, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ो। हम पढ़ेंगे सिर्फ दो थ्योरी, एक का नाम है एरिहिनस थ्योरी, दूसरे का नाम है कोलिजन थ्योरी। ये दोनों थ्योरी किसके रिलेटेड है? बाई मालिक्यूलर रिएक्शन, हाउ बाई मालिक्यूलर रिएक्शन ऑकर्स। हम टॉपिक लगाएंगे आज का एरिहिनस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। नोट करो टाइटल ऑफ द टॉपिक। देखो बेटा, एरिहिन ने क्या कहा, आर कन्वर्ट्स इनटू पी, इच्छा रिएक्शन। अगर भी रिएक्शन करें जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर, अतः से रेट लेस, इसकी रेट क्या होगी? कम। इसी रिएक्शन मैं आप टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, मेरे को टी इंक्रीज, टी कोर में इंक्रीज, सपोज बात में 50 डिग्री सेंटीग्रेड, रेट बेनी मोर गो विद। अगर भी टेम्परेचर खराब, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। को जनरली आप वुशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब रेट कॉन्स्टेंट यह इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वुशन आव ये टेम्परेचर गसन राइज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तम सात आव वुशन रेट कॉन्स्टेंट की गसन डबल, क्या गसन डबल। सारी रिएक्शन खतर नहीं किए, किहन रिएक्शन खतर गो रेट कॉन्स्टेंट वैल्यू को डबल बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस, मगर इनकेस ऑफ पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस। एक्चुअल वेरिएशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर एक साइंटिस्ट ने दिया, उसका नाम है एरिहिन। एरिहिन दुत बेसिकली रेट कॉन्स्टेंट कुछ एक्चुअली गसन चेंज विद टेम्परेचर, सो एक्चुअल वेरिएशन हो एरिहिन, वही हम पढ़ेंगे। वुशन क्या आया, जूता से टेम्परेचर राइज करे तूता से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज गसन। कॉमन सेंस ची ये मॉलिक्यूलर में एनर्जी ज्यादा ज्यादा, तिम करे पान वो लड़ाई ज्यादा ज्यादा, तिम फटाएं प्रियन बांड नई बांड बनाए। सुई गुना कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बांड्स इन रिएक्टेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बांड्स इन प्रोडक्ट्स, दैट इज सिंपली रिएक्शन, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, गो ये मॉलिक्यूलर एनर्जी मिल तम फटाएं पानी बांड बनाए नई बांड, तथ वन रिएक्शन गई। रेट कॉन्स्टेंट गसन राइज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्चुअली कथ पकान हाउ इट डिपेंड्स ऑन दिस वाज शोन बाय एरिहिन। क्लियर, पहले हम लिखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ एरिहिनस थ्योरी, नोट करो पोस्टुलेट्स ऑफ एरिहिनस थ्योरी। यह आवा समझ, यह पॉइंट एक्सप्लेन करने खातिर आव एरिहिन। वुसे क्या वन एरिहिन, दोपन अगर ये कंटेनर छु इसमें मैंने भरा रिएक्टेंट्स, क्या भरियम रिएक्टेंट्स, सपोज मैंने इसमें भरा आई टू जो वाले मालिक्यूल मैंने दो शो किए, इधर मैंने शो किया एच टू और इधर मैंने शो किया एच टू। ठीक है बेटा, एम दो रिएक्टेंट मालिक्यूल दो किस्म क्या मालिक्यूल मज पैसिव क्या मालिक्यूल मज एक्टिव। इसने कहा एक्टिव मालिक्यूल्स वो मालिक्यूल्स होते हैं
जो प्रोडक्ट बनाएंगे एक्टिव मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जो पैसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, ये मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। पैसिव मॉलिक्यूल्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। लेट दिस H2 इज एक्टिव मॉलिक्यूल, ये इज एक्टिव मॉलिक्यूल, इट इज एक्टिव मॉलिक्यूल। ये H2 मानते हैं पैसिव मॉलिक्यूल, इट इज पैसिव मॉलिक्यूल, याद रखना। लेट दिस I2 इज एक्टिव मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल। लेट दिस I2 इज पैसिव मॉलिक्यूल, पैसिव मॉलिक्यूल। गॉडिंग पॉइंट ऑफ यू रिएक्टेंटन मस्त दाई किस मॉलिक्यूल्स आसन, एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड पैसिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म प्रोडक्ट, पैसिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या किया इसने, एम वन दुमन एक्टिव मॉलिक्यूल तो पैसिव मॉलिक्यूल दरमियान आसन छ इक्विलिब्रियम। इथे बर्सी एक्टिव मॉलिक्यूल छोड़ पैसिव मॉलिक्यूल, इनके दरमियान भी होगा क्या, इक्विलिब्रियम। क्लियर छ। एम वन टेल अगर ये मॉलिक्यूल आख छ पैसिव मॉलिक्यूल, पी स्टैंड्स फॉर पैसिव मॉलिक्यूल, पैसिव मॉलिक्यूल, इस साइड में क्या मॉलिक्यूल है, एक्टिव मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल, इनके दरमियान है इक्विलिब्रियम। एम वन दुमन फॉरवर्ड स्टेप आसन छ एंडोथर्मिक, बैकवर्ड स्टेप इज एक्सोथर्मिक। दोपहर अगर वो टेम्परेचर राइज कर, टेम्परेचर का राइज, तो एक्टिव पैसिव मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किसमें होते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल। यहां के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे फिर उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि यही कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में। बस यही तीन पॉइंट थे अरहेनस थ्योरी के। यह बात समझ, दोए किस्म मॉलिक्यूल्स आसन छ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मस तिम मॉलिक्यूल्स यम एक्टिव आसन यम बनाएं प्रोडक्ट, तिम मॉलिक्यूल्स यम न एक्टिव आसन किया यम शुंगित आसन तिम छ वन अस पैसिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल तो पैसिव मॉलिक्यूल दरमियान आसन छ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक छ। अगर टेम्परेचर राइज करे पैसिव मॉलिक्यूल गस कन्वर्ट इनटू एक्टिव मॉलिक्यूल, बिकॉज दिस स्टेप इज एंडोथर्मिक। हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में पिछले साल, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब मैंने आपको पढ़ाया ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ठीक है। एंडोथर्मिक स्टेप गस फेवर, एक्टिव मॉलिक्यूल बने ज्यादा, वो बनाएंगे प्रोडक्ट। इस थ्योरी को मैं आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कश्मीरी में, बताओ ये समझिए, ये क्लासरूम अत मे गर्ल्स एज वेल एज बॉयज, क्या लड़के काबिल क्या लड़के नाकबिल, इथे पे क्या कोर काबिल क्या कोर नाकबिल, ठीक है। गो ये मॉलिक्यूल क्लास रिप्रेजेंट कर मॉलिक्यूल, अत मे किस्म स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स एफिशिएंट है उनका नाम पड़ेगा एक्टिव मॉलिक्यूल्स, उनको सब कुछ समझ आता है। क्या स्टूडेंट्स निंद्र करान यो टाइम पास कर, ठीक है, तिमन वन पैसिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तम ग पगह फेल तो तम रटन पगह आर्ट्स अगर पास गई। यम एक्टिव मॉलिक्यूल्स कर पगह JEE तो नीट क्वालिफाई, ठीक है। मगर अख चीज क्लियर, एक्टिव मॉलिक्यूल तो पैसिव मॉलिक्यूल लड़ लुट बिहत इन दरमियान दोस्तान, दोस्तानस वो इक्विलिब्रियम, यम दिवन कलम, यम दिवन ओर चीज पान वे फ्रेंडशिप छ, मतलब इन इक्विलिब्रियम एक क्लास में ना इक्विलिब्रियम। त्रेम पॉइंट क्या, वो अगर बहुत काम कर पैसिव मॉलिक्यूल अमिस पेरेंट घर दिवन पोस लागन, यह पढ़ अमिस अनो बुक्स असल, अमिस लोग इमो असल ट्यूशन, यह सूच इमो असल मास्टर निश, अमिस तुम फ्रेंड सर्कल रुत, गो अमिस कर्मो एनर्जी सप्लाई, तेल गना यह अमिस गन जमीर खुशियार, यह गनवर्ट कत मे एक्टिव मॉलिक्यूल मे सा एक्टिव गो यह बनाए प्रोडक्ट ये सिलेक्ट। यह अरहेनस थ्योरी नोट करो, पोस्टुलेट्स ऑफ अरहेनस थ्योरी, जल्दी लिखो आपके काम आएगा। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन एक्टिव मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन एक्टिव मॉलिक्यूल्स, नंबर टू पैसिव मॉलिक्यूल्स, नंबर टू पैसिव मॉलिक्यूल्स। पॉइंट नंबर टू लिखो, एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म प्रोडक्ट, फुल स्टॉप। पैसिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स, पैसिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट,
क्लियर हुआ, गो सारी रिएक्टेंट बनाए ने प्रोडक्ट किए, क्लियर, ओनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म प्रोडक्ट, पैसिव मॉलिक्यूल बनाए ने प्रोडक्ट किए, मतलब सारी रिएक्टेंट बनाए ने प्रोडक्ट किए। तीसरा पॉइंट लिखो, देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड पैसिव मॉलिक्यूल्स देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड पैसिव मॉलिक्यूल्स। चौथा पॉइंट लिखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस because number of active molecules increase। तो कैसे को इंक्रीज है, क्योंकि एक कार्बन को शिफ्ट फ्रॉम पैसिव साइड टू एक्टिव साइड, बिकॉज दिस इज एंडोथर्मिक। वो एक्सप्लेनेशन आप घर में खुद लिखोगे। गो एम दूत आंसर, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे गई इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एरे ने यही कहा, इसने कहा जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा पैसिव मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एक्टिव मॉलिक्यूल में, बिकॉज दिस स्टेप इज एंडोथर्मिक। जब ये बढ़ेगा एक्टिव मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी एज पर एरियंस। ये उसकी थ्योरी थी, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एरियंस थ्योरी। ये मैं मिटाऊंगा, थ्योरी रोजा याद, पॉइंट चोर याद था वही। सारी मॉलिक्यूल छना आसन इफेक्टिव कहीं टू परफॉर्म रिएक्शन। अच्छा दोई किसे मॉलिक्यूल आसन, एक्टिव मॉलिक्यूल्स गए इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स, पैसिव मॉलिक्यूल्स को इन इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स, मगर एक्टिव मॉलिक्यूल तो पैसिव मॉलिक्यूल दरमियान आसन छु इक्विलिब्रियम। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर गैस पैसिव मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू एक्टिव मॉलिक्यूल, रेट ऑफ रिएक्शन गैस इंक्रीज। ये एरियंस थ्योरी थी उस समय, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या उस, अगर ये मॉलिक्यूल्स यहां पर सपोज ये मॉलिक्यूल्स ठीक है H2 एंड I2 NCERT की करना रिएक्शन सर डिस्कस H2 एंड I2। चलो ब्लू वाले मैंने शो किए H2, क्रॉस में मैंने शो किए I2 ठीक है, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसन आइडल मॉलिक्यूल एनर्जी ज्यादा एरनेस कम, कह मॉलिक्यूल कैंटी एनर्जी ज्यादा कहने कम, ये अप्लाई बोल्टमैन मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और कुछ मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी कम होगी। मैं अप्लाई कर सकता हूं मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो मैं अप्लाई कर सकता हूं। देखो बेटा एरहिन ने क्या कहा, एरहिन ने कहा सारे ब्लैक मॉलिक्यूल जो ये हैं इफेक्ट नहीं है। सपोज इन ये मॉलिक्यूल ये चोर इफेक्टिव, ये चार मॉलिक्यूल इफेक्टिव है, एम वन आउट ऑफ टोटल आउट ऑफ ब्लैक ये इफेक्टिव, इसका नाम इसने रखा बोल्टमैन फ्रैक्शन, बोल्ट्समैन फ्रैक्शन याद रखना। दोपन इन मॉलिक्यूलन एनर्जी प्रॉपर दे हैव, ये अच्छ ब्याख नाव एनर्जी टर्म लिखवत नाव, इट इज एनर्जी टर्म। दोपन ये तिम मॉलिक्यूल्स इन एनर्जी प्रॉपर दे कैन कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट। इसने इस फ्रैक्शन को डिनोट किया मैथमेटिकल टर्म से, उसका नाम था एक्सपोनेंशियल माइनस ईए डिवाइड बाई आरटी, इसका नाम है बोल्ट्समैन फ्रैक्शन। आउट ऑफ टोटल ब्लैक मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी हैव प्रॉपर एनर्जी, दैट इज डिनोटेड बाई दिस टर्म। अवे वन कस टर्म एनर्जी टर्म, तम मॉलिक्यूल्स इन प्रॉपर एनर्जी मतलब दे कैन कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट। वायर ई इज यूलर्स कॉन्स्टेंट, नेगेटिव इज ए मैथमेटिकल टर्म, ई इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर, क्लियर छ। एम वन इतने पेट छ, अगर बो वन ब्लू वाले ये सपोज ये चार ब्लू ये इफेक्टिव है, इनकी एनर्जी प्रॉपर है, यून फ्रैक्शन कैरी डिनोटी कैम से एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आरटी, को इट गो डिनोट बोल्ट्समैन टर्म, इट इज बोल्ट्समैन टर्म ऑन द या बोल्ट्समैन फ्रैक्शन, क्योंकि इट इज आउट ऑफ टोटल आसन दैट इज व्हाई इट इज फ्रैक्शन ठीक है।
एरियन ने यही कहा, दोपहर रेट कांस्टेंट जो होता है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन ज्यादा है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन का वैल्यू कम है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा। यही मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया एरियन ने, समझ आओ। इक्वेलिटी साइन में कन्वर्ट कर दो, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू एरियन कांस्टेंट ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। यही है इक्वेशन किसकी, एरियन की। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, नोट करते चले जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नोट करो, समझ आओ। एरियन कांस्टेंट ए के जो रेट कांस्टेंट, ई गो इलोरिस टर्म, नेगेटिव जो मैथमेटिकल साइन, ई ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा ये भी, आर इज गैस कांस्टेंट पता है हमें, टी इज टेम्परेचर ये भी पता है हमें, टेम्परेचर इन केल्विन नोट करो। ये गोवा क्लियर, ये नेगेटिव साइन कोड आओ बेसिकली आज बढ़ने थी कस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ताकि इंटीग्रेशन वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली याद ये रखो ठीक है। अदरवाइज ये असली इक्वेशन, ये मॉलिक्यूल क्या है पैसिव, ये मॉलिक्यूल क्या है यहां एक्टिव है, इक्विलिब्रियम उष्णाव डी बाई डी टी लिन के या उष्ण ई ए डिवाइड बाई आर टी सुपर, ये की यह एक्चुअल इक्वेशन एम एस कर्मस, ये कॉपी एरिन ने ये कॉपी की थी वांट ऑफ इक्वेशन से, वांट ऑफ उस वर्मुत इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बाय दिस, मगर उसने यहां पुट किया था डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को तात इक्वेशन ने, तो यह इक्वेशन में फर्क हेतु तेमोस निमुत यदर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुजरा यदनस डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एरियन कर काम इमनी स इक्वेशन, मगर यहां डाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बदले रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साउंड सुधी फिडिस रेट कांस्टेंट हाउंड चीफ फिडिस, बाकी यम तो तनिया यतनस कोस डेल्टा एच, मगर एरियन ने क्या लिया एक्टिवेशन एनर्जी ई, पात करन यह इक्वेशन करन क्या इंटीग्रेशन, यह कन्वर्ट का मस यह इक्वेशन मस, आप डायरेक्ट याद रखो यही एरियन इक्वेशन। देखो बेटा अब पहला पॉइंट आप लिखना, अच्छे से लिखना, अब क्या था इक्वेशन, के इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी, ये है हमारे पास इक्वेशन, ये है हमारे पास इक्वेशन, ये हमेशा था वही याद जमीनी, के इज रेट कांस्टेंट, ये क्या देगा स्पीड ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये हमें पता है, यह वन एरहेनस कांस्टेंट आर हेनस कांस्टेंट, याद रखना इंपॉर्टेंट है, अत ब्या नाव क्योंकि यह एक्सपोनेंशियल टर्म बुथ अत वन प्री प्री मतलब गो बिफोर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी नाम है, क्योंकि अमुक यूनिट बराबर टी इनवर्स सुन फ्रिक्वेंसी यूनिट, इसलिए इसका एक और नाम क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अगर सवाल त्राई अत क्या वाला फ्रीक्वेंसी फैक्टर, क्योंकि इसका यूनिट निकलता है टी माइनस वन, फ्रीक्वेंसी मेरा यह है वन बाई टी माइनस फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट आता है इसी के बराबर, क्योंकि रेट कांस्टेंट यूनिट आता है टी इनवर्स इनकेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब वन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, यह डिनोट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। चलो इस टर्म पे, ये टर्म क्या नाम, इसका नाम हमने रखा अभी बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन टर्म, या आप लिख सकते हो बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन, यह डिनोट तम मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल इन प्रॉपर एनर्जी विच कैन कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट, ई इज यूलर्स यूलर ई यू यूलर फंक्शन, इट इज यूलर फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई ए इधर लिखूंगा मैं ई ए, ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी याद रखना,
इसका यूनिट क्या होता है, एनर्जी को जूल पर मोल। आर को उठाओ, आर इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। इलेवेंथ में हमने पढ़ा है जब स्टेट्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस किया, इसका यूनिट क्या है, अच्छा था न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंडिंग ऑन आप कौन से यूनिट्स यूज करोगे, 8.31 टाइम 700 जूल पर केल्विन पर मोल। ट्रिक क्या है, जम्मू कश्मीर अंडर मिलिटेंसी मजलस लाइन, ये वैल्यू कत बराबर आसन 25/3 सुनिए तकरीबन बराबर ये थे। टी स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर याद था हमेशा किसमें, केल्विन में, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। केल्विन स्केल इज ए एब्सोल्यूट स्केल, इसका एक और नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक स्केल। नोट करो, देखो बेटा के का बराबर उस ए एक्सपोनेंशियल, ऐसे लिखूंगा मैं, एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी, याद रखना। अगर से तुम्हारे पे टी कर इंक्रीज, टी को इंक्रीज करो, बता दो ई ए बाय आर टी टर्म क्या गैस, ये डिक्रीज होगा, मगर ई माइनस ई ए बाय आर टी टर्म क्या होगा, ये टर्म इंक्रीज होगी। जब ये टर्म इंक्रीज होगी तो समझ में एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी, ये टर्म क्या गैस, ये भी इंक्रीज होगा। ये टर्म क्या गई इतना इंक्रीज, ये टर्म क्या गई डिक्रीज, कैम से जिस टी को से इंक्रीज आए, मतलब ना ये टर्म इंक्रीज गई, इसमें प्रोपोर्शनल केस, मतलब वो तेल के गैसे इंक्रीज। फाइनली मुझे पॉइंट बता दो, टी और के दरमियान दोस्ती क्या है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नोट करो जल्दी, यही था मेन पॉइंट फ्रॉम अरहेंस इक्वेशन, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ई ए बाई आर टी टर्म डिक्रीज होगी, क्या डिनोमिनेटर्स मतलब, मगर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी टर्म इंक्रीज होगी, उससे ये सारी टर्म इंक्रीज होगी, मतलब के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन, कैसा के की इंक्रीज, मतलब ये रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। पहला पॉइंट यही था, नोट करो। चेक क्लियर, पॉइंट नंबर टू लिखो, ए इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो बराबर है बता दो के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि ये सब ये ए जीरो के बराबर, तो पूरा टर्म जीरो के बराबर, समझावा, एच बराबर इन्फिनिटी, के एस इन्फिनिटी अनडिफाइनड। ई ए पे आ जाओ, ई ए ने बराबर जीरो, जब ये जीरो है एक्सपोनेंट जीरो इज वन, तो किसके बराबर आएगा, के इक्वल टू ए, एक्टिव एनर्जी को कर दो इन्फिनिटी, एक्सपोनेंट ऑफ इन्फिनिटी इज जीरो, तो ये क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई होगा जीरो से, के इक्वल टू जीरो, याद रखना इंपॉर्टेंट है। टी पे आ जाओ, टी इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर जीरो, वन बाई जीरो इज इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी इज जीरो, तो बता दो के इक्वल टू जीरो। क्लियर छा, लास्ट टी टू इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी इज जीरो, एक्सपोनेंशियल जीरो इज वन, बराबर के इक्वल टू ए, समझते यून इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आता है, सो मेनी ई देखिए मेरे को टेम्परेचर इन्फिनिटी वन सा रेट कांस्टेंट का बराबर है, टेम्परेचर को जीरो वन सा रेट कांस्टेंट किसके बराबर, मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी बराबर इन्फिनिटी, बता दो के किसके बराबर, इक्वल बराबर या ई क्या है, इक्वल बराबर इन्फिनिटी ई क्या है, इक्वल बराबर जीरो ई ए किसके बराबर, समझ आवा, सिंपल है, कर सकते हो मैथमेटिकली। आपको कैसे याद रहेगा ये हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो पहले पहला वाला आसान है, ये जो मल्टीप्लाई कारण, अगर ये जीरो है मींस ओनली जीरो, जीरो इज याद, एच इन्फिनिटी
इन्फिनिटी से ज़रा करो इन्फिनिटी बनेगा, यूनिवर्स दूरी याद हो, हमें याद रखना है। वो मसलो ये एक्टिव एनर्जी जीरो मतलब गो मे वोमुत अगर ये आर रिएक्टेंट यह प्रोडक्ट इनके दरमियान होता है बेरियर, ये मैं नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा आपको, ऐसे बेरियर होता है, इसका नाम है ट्रांसेंस स्टेट या एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। यहां से यहां तक एनर्जी जितनी लगेगी उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड है, इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी एंड फॉरवर्ड रिएक्शन। इधर से वापस इधर तक जितनी एनर्जी लगेगी उसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी, मगर किस रिएक्शन के लिए बैकवर्ड, अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा ये पूरा। ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो के बराबर है, मतलब ये ग्राफ ये खत्म, ये छुई है पहाड़ छुई है, को तमाम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अवे वन मिनट ई एस बराबर जीरो, रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा मैक्सिमम, वो ए के बराबर होता है प्री एक्सपोजर फैक्टर। अगर इन्फिनिटी बराबर मतलब ग्राफ वारिया बोर्ड, कोई मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का कोई मॉलिक्यूल इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये ना क्रॉस गोई के का बराबर है जीरो, याद रोजे ई ए इन्फिनिटी का मतलब है पहाड़ बहुत बड़ा है, द हिल इज इसका वो क्या है पीक क्या है बड़ा, ये वारिया बड़ पीक ह्योर, इसको क्रॉस करना मुश्किल है, इसलिए लगभग के बराबर जीरो। अब देख टी को टेन मॉलिक्यूल से रिएक्टेंट बनाऊ प्रोजेक्ट क्रॉस कर बेरियर, अगर टेम्परेचर जीरो मतलब जब टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम बराबर जीरो, मान काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब सारी मॉलिक्यूल डेड, ये मेरे ने क्रॉस कर दी, जब इन्हें क्रॉस नहीं किया तो के किसके बराबर रेट किसके बराबर जीरो। इसी पॉइंट टी इन्फिनिटी, आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया रिएक्टेंट को, सबको मिल गया काइनेटिक एनर्जी, कुछ सारे मॉलिक्यूल किसने क्रॉस, तो के का वैल्यू ए के बराबर, याद रखना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ के कैन बी इन्फिनिटी अनडिफाइंड, कभी कभी के का वैल्यू किसके बराबर होता है एरहिनस कांस्टेंट के बराबर, कब जब टी इन्फिनिटी के बराबर हो और एक्टिव एनर्जी किसके बराबर जीरो के बराबर। यहां पर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, ये हमने सेकंड इंटरप्रिटेशन डिस्कस की एरहिनस इक्वेशन की, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन नंबर थर्ड, आप यहां तक इसको रिवाइज करो इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को भी एंड ग्राफ्स इनके साथ एरहिनस इक्वेशन, तब तक इसको रिपीट करो, बहुत है क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा, लुक इट वंस अगेन, ये काफी आज के लिए, टेक केयर, बाय।